क्लास 10 का फिजिकल साइंस का प्रकाश चैप्टर का अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाना हम सीखेंगे। तो अवतल दर्पण, ये देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। ये मैंने ग्लास की सहायता से ये वक्र लाइन खींचा है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल है भीतर की तरफ होता है और बाहर की तरफ पॉलिश होता है। तो बाहर की तरफ पॉलिश को हम दिखाएंगे इसको इस प्रकार हम कर देंगे। इस प्रकार कर देंगे। अवतल दर्पण का इसको हम लोग पी बोलते हैं। पी का मतलब ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष है। ये लाइन आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ये आपका फोकस है। और जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर आपका वक्रता केंद्र भी होगा। ये वक्रता केंद्र है सी। अब किसी दूर से अनंत से अगर प्रकाश किरण आती है, ये अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, समानांतर किरण आ रही है, ये समानांतर किरण आ रही है, ये मैंने पेंसिल से ड्रॉ करके रखा है, प्रकाश किरण आ रही है। तो प्रकाश किरण अगर फोकस से गुजरती हुई अवतल दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात वह समानांतर हो जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से पहले ही पास करती है, कोई भी समानांतर किरण इसके समानांतर जाती है, वो जब टकराती है तो वह फिर उसी रास्ते से वापस चल जाती है। ये टकराने के बाद आपका इस दिशा में समानांतर हो जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से गुजरने के पश्चात जब टकराती है अवतल दर्पण के परावर्तक तल से, तो वह समानांतर हो जाती है। और जो वक्रता केंद्र से नहीं, इसके समानांतर जो जाती है वह आपको और जो आपको ये वक्रता केंद्र से होकर के जो जाती है वह फिर उसी रास्ते से वापस चल जाती है। तो हमारा इमेज जो है फोकस पर ही बनता है और उल्टा बनता है, और वस्तु यहाँ बहुत ही बड़ा है उससे छोटा बनता है। तो यही लिखा हुआ है, अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, फोकस पर उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा और वस्तु की ओर ही बनता है। जिस तरफ हमारा वस्तु है उसी तरफ हमारा प्रतिबिंब बनता है, और यह वास्तविक बनता है, ये वास्तव में किरणों के मिलने से बनता है, इसलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर यही प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये परावर्तक तल से टकराने के पश्चात ये एफ बिंदु पर ही फोकस पर ही मिलती है। जितनी दूर पर फोकस उतनी ही दूर पर हम वक्रता केंद्र भी लेंगे। फोकस पर मिलती है और ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ यह भी हमारा पी है, ये एफ है, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष है। परावर्तक तल आपका भीतर वाला है और बाहर वाला आपका पॉलिश है। ये सब मिरर में आपको दिखाना होगा। तो अगर इसमें भी वही चीज लिखना है, यदि वस्तु अनंत पर है, यानी कि ये किरणें अनंत से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही है, और परावर्तक तल से टकराने के पश्चात फोकस पर मिलती है, और प्रतिबिंब जो है हमारा वास्तविक, फोकस पर उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा और वस्तु की ओर बनता है, ये प्रतिबिंब का पहला नियम है। दूसरा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर और अनंत के बीच में स्थित रहता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, फोकस वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु से छोटा, उल्टा और वस्तु की ओर ही बनता है। जैसा कि इस अवतल दर्पण के परावर्तक तल से हो रहा है। यह भी आपका पॉलिश सरफेस है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है,
और जितनी दूर पर फोकस उतनी दूर पर वक्रता केंद्र है, और आपका ये अनंत है, अनंत ये धर्म में आपका अनंत हो गया, अनंत यानी कि बहुत दूर से। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो इससे जाने वाली ये किरण जो है फोकस से गुजरती है, और जो फोकस से गुजरती है गुजरने के पश्चात समानांतर हो जाती है, तो ये प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा है, वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तीसरा है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऐसी केस में प्रतिबिंब वास्तविक और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार के बराबर उल्टा और वस्तु की ओर ही बनेगा। जैसा कि इस चित्र में हमने इस सी पर वस्तु को रखा है, सी पर वस्तु को रखा है, ये आपका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जो है फोकस से गुजरती है, और फोकस से गुजरने के पश्चात ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये इस प्रकार एरो से हमें दिखाना है, ये किरण इधर जाने के बाद इधर में इस तरफ ये परावर्तक हो जाती है, और फोकस से पास करके यहाँ पर ये दोनों किरण मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु की ओर ही बनता है और वास्तविक बनता है। अब आ जाइए चौथा नंबर पे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच, यानी कि ये आपका फोकस है, और जितनी दूर पर यह फोकस है उतनी ही दूर पर वक्रता केंद्र भी बनाना होगा, तो ये वस्तु आपका है जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। यहाँ से ये चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती है, और फोकस से गुजरने वाली किरण समानांतर हो जाती है, तो इस जगह पर मिल रही है, इस जगह पर वस्तु का ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के ओर ही बनता है, जो कि आपको इसमें लिखा हुआ है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वस्तु की ओर ही बनता है। अगला हमारा है पांचवा नंबर, स्थिति यदि वस्तु फोकस पर ही रखी हुई हो, यानी कि ये फोकस पर ही हमारा वस्तु अगर रखा हुआ है, तब इससे चलने वाली किरण जो है परावर्तक तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इधर भी चलने वाली किरण परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत ही दूर अनंत पर बनता है। तो यही लिखा हुआ, अनंत पर यह वस्तु बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की ओर बनता है। छठी स्थिति है, यहाँ पर यह पांचवी स्थिति का एक और आपका किरण आरेख है, यानी कि वस्तु अगर मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर ही वस्तु रखी हुई है, और अगर आपका वस्तु मुख्य अक्ष से कहीं ऊपर या नीचे बहुत दूर रखी हुई है, यानी कि अनंत पर ही रखी हुई है, तो समानांतर किरणें आपका जाती है, तो एक आपका फोकस से पास करती है, इधर से गुजरने के पश्चात परावर्तक तल से टकराने के पश्चात ये परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और दूसरी वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है वह टकराने के पश्चात उसी रास्ते से वापस चली जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत आपका ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपका फोकस पर ही बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, और जो वस्तु हमारा फोकस पर रखा हुआ है, ये वस्तु फोकस पर रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत पर बन रहा है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो
तो फोकस पर ये एक स्थिति है, अगर फोकस पर रखा हुआ है तो समानांतर किरणें टकराने के पश्चात ये जो है समानांतर हो जाती है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अगर समानांतर किरणें जाती है तिरछी तो ये ऑब्जेक्ट है, आपका वस्तु है, इससे समानांतर किरणें जो जाती है तो एक जाती है तो आपका ये आपका ये इधर जा रही है, ये एरो गलत हो गया है, इधर जा करके ये इस तरफ ये चली गई, ये अनंत की तरफ चली गई, और दूसरी किरण जो है आपका जाती है परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी रास्ते वापस चले जाती है और प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत पर बनता है। छठा स्थिति है, यदि वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो, ये ध्रुव आपका है, ये आपका फोकस है, तो वस्तु अगर आपका फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि ये ध्रुव है, ये ध्रुव के बीच में, ये ध्रुव है, ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तब इससे जो किरण आपका परावर्तक तल से टकराती है, टकराने के पश्चात फोकस से निकल जाती है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के टकराती है वह फिर वापस उसी रास्ते से वापस चली जाती है, और हमारा इसका ये इमेज ये प्रतिबिंब ये किरण आरेख जो है कहीं भी मिलता नहीं है, इसलिए यह है, इसको मिलाने के लिए हमें पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको भी, तो ये इस जगह पर हमारा मिलता है, तो इस जगह पर हमारा ये काल्पनिक इमेज बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से दूसरी तरफ बनता है, मिरर के पीछे बनता है, तो ये है हमारा। अगर वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक दर्पण के पीछे सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यह छह स्थिति में एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसे आपको याद रखना है।